एतमाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग उर्दू ज़बान वज़ारत तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत हिंद नई दिल्ली के जानिब से बरोज़ जुमेरात 4 मार्च बवक्त सुबह 10 बजे से शोबाए उर्दू गवर्नमेंट गर्ल्स जनरल डिग्री कॉलेज इकबालपुर में उर्दू नावलों में औरतों के किरदार पर एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इस बज़्म के सदारत प्रोफेसर रईस अनवर साबिक सदर शोबाए उर्दू मिल्लत नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने फरमाया है। इस बज़्म के मेहमान खुसूसी के लिए आली जनाब फरहाद हकीम इज़्ज़त माँ आप वज़ीर बराए शहरी तरक्यात व बदलियाती अमूर हुकूमत मगरबी बंगाल को दावत सुखन दिया गया है। मेहमान एजाज़ी के लिए आली जनाब मोहम्मद नदीमुल हक इज़्ज़त माँ आप रकन राज्यसभा वाइस चेयरमैन मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी को दावत सुखन दिया गया। इस बज़्म के इफ्तिताही कलमात के लिए डॉक्टर सैयदा शारक़तुल मौलाउल क़ादरी प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स जनरल डिग्री कॉलेज ने भी शिरकत की है। इस बज़्म के खैर मकदमी कलमात के लिए डॉक्टर शबनम परवीन सदर शोबाए उर्दू गवर्नमेंट गर्ल्स जनरल डिग्री कॉलेज और निज़ामत के लिए डॉक्टर नौशाद आलम रकन गवर्निंग बॉडी मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी से फ़रोग़ पहुँचाई है। इस बज़्म के कलीदी खुतबा के लिए डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम साबिक रकन पब्लिक सर्विस कमीशन मद्दऊ थे। इस बज़्म की मेहमानाने ज़ियोकार के लिए आली जनाब निज़ामुद्दीन शम्स कोऑर्डिनेटर वार्ड नंबर 78 कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी शिरकत की है। और आखिर इजहार तशक्कुर के लिए डॉक्टर सिम्पा सेन टीचर्स काउंसिल सेक्रेटरी गवर्नमेंट गर्ल्स जनरल डिग्री कॉलेज ने भी शिरकत। मजबूत कर किरदार अदा करती और
मजीद आगे जाकर जिंदगी में देखते हैं तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स में औरतों का किरदार क्या क्या है। आप देखिए आज के हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से मगरिब बंगाल वाहिद रियासत है अभी जिसमें औरत भी चीफ मिनिस्टर है, आप लोग जानती हैं, और मजबूत किरदार अदा कर रही होगी। लेकिन जो बड़ी बात हम देख रहे हैं कि जहाँ उर्दू अकेडमी का ताल्लुक है, हम लोग चाहते हैं कि बच्चियाँ वहाँ पर आकर के इस्तेमाला करें, खास करके जैसे मौलाना आजाद प्रदेश की बच्चियाँ आती हैं तरीब है, लेकिन आप लोग भी आ सकती हैं। और मेरे ख्याल से 21 फरवरी वो जो युवा में आर्मी मातृ जबान मनाया गया तो जी हाँ जी मैडम यहाँ पर श्रद्धा मैडम यहाँ पर आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स को लेके गए और हम लोगों ने वहाँ पर उर्दू की कसम खाई कि हम अपने बच्चों को अपने जानने वालों को उर्दू पढ़ाएंगे सिखाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप उर्दू शोभा से ताल्लुक रखती है तो जरूर इस आहद को पूरा कीजिए और जो आपके आने वाले नस्ल है उसको जरूर उर्दू से वाकिफ करें। नशा के गुल ऊंची न दीवार चमन दुलदुल, नशा के गुल ऊंची न दीवार चमन दुलदुल, तेरी हिम्मत की कोताही तेरी किस्मत की मस्ती। ये कह के मैं आपसे बात खत्म करता हूं। हिम्मत दीजिए आगे बढ़े, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जानिब से ये बहुत अच्छा कदम है और शोभा उर्दू की सदर इनकी डॉक्टर शबनम परवीन, इन्होंने अच्छा कदम उठाया है कि इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के इश्तराक से ये प्रोग्राम रखा है उन्होंने कि सेमिनार है कि उर्दू नावलों में औरतों का किरदार, तो ये बच्चियाँ इनके कोर्स में भी ये बात आएगी। और मैं तो ये अभी जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ औरतों का किरदार नावलों में नहीं है बल्कि ज़िंदगी में भी है, और आप देखिएगा कि मजबूत किरदार हर जगह औरत निभा रही हैं, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल। उर्दू नावलों में कितना मजबूत औरतों का किरदार होता है? देखिए ये कोई जो यहाँ पर प्रोफेसर साहब आए हैं वही बता सकेंगे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से, लेकिन जहाँ तक मैं देखा कि हर नावल वहाँ पर जैसे बाजार हुस्न है, टेढ़ी लकीर है, उमराव जाँ अदा है, ये सारे नावल में जो औरतें हैं उनका किरदार काफ़ी मजबूत है। चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि पहले माँ की शक्ल में, फिर बहन की शक्ल में, फिर बीवी के और बेटी की शक्ल में औरत हर मर्द के साथ रहती है, तो जितना अप्रिसिएशन उस मर्द को औरत से मिलेगा उतना वो कामयाब होगा, और उनका जो छोटे छोटे मामला को जैसे औरत डील अगर कर ले, मत अगर आज़ाद हो जाता है बड़े मामला को देखने के लिए, तो यकीनन कामयाबी उसकी और आसान हो जाती है अगर उसका औरत का सपोर्ट। बहुत 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 शुक्रिया। जिसका असर दुनिया की दूसरी जबानों की तरह उर्दू जबान का अदब पर भी पड़ा। उर्दू ने नावल नगारी की दुनिया डिप्टी नजीर अहमद के द्वारा उनका पहला नावल मेरा जो 1869 में शायद हुआ उर्दू का पहला नावल माना जाता है। तारीख में नुस्खा की जरूरत और समाज में औरतों की बड़ा और इस्लाम का राष्ट्र पहली ने हिंदुस्तानी माशरे में मुस्लिम खवातीन के आधार पर
जो कि पूरा सूबा की हैं, और ये जो औरतों के मसाइल और औरतों के बारे में औरतों के हवाले से बातें हो रही है, ये आज का जो टॉपिक है उर्दू नावल में औरतों का किरदार, इस पर बात कर रही है और इस पर ऑर्गेनाइज कर रही है शर्मा कर रही। मैं ये चाहूंगा कि इसके बाद जब कोई सेमिनार हो औरतों के किरदार पर, तो इस सेमिनार का भी उसमें तस्करा होना जरूरी है और हमारी शबनम तदवीन का तस्करा भी होना चाहिए, क्योंकि ये उसमें शामिल है। देखिए मैं अरबी का एक मामूली सा तालिबे इल्म हूँ, उर्दू से बहुत ज़्यादा मुझे उर्दू नावल के सिलसिले से उतना इल्म भी नहीं है, लेकिन अरबी और उर्दू को अगर हम समझे तो ये जो नावल का जो इसकी जो इब्तदाई तारीख अगर हम देखें 19वीं सदी के नस यानी कि 1850 वगैरह के दौर था, इस दौर में यूरोप में और अमेरिका में औरतों की आज़ादी उनकी हुर्रियत के बारे में, ये तो यूरोप और अमेरिका में जो शुरू हुआ इसका असर तमाम माशरे पर पड़ा है, वो कभी उसूल देवी बनी और देवी देवताओं की मदद से निगाह रही, कभी महबूबा माँ बहन बेटी बनी, उसका गणित धर्मी और प्रभावित भी है, इन तमाम ऐसे पर अहमियत के बावजूद मजबूरी तौर पर इसके इस्तेहसाल किया जा रहा था, जुल्म सितम का शिकार होकर उस अल्लाह पर भारत का निशाना बनना पड़ता था, और अपने वजूद उसकी हैसियत उस किरदार के हवाले से जबान ने बहुत कुछ लिखा है। यही वजह है कि अनवर की शख्सियत के बारे में लोग देखते और सुनते को मिल जाता है। लुकमान सुबरा अपलाती और राधे की हिम्मत के साथ जानवी साली हमारे मोहम्मद मंसूर आलम साहब ने बहुत ही जामे फिल्मी खुतबा पेश किया और उसमें डिप्टी नवी नदी रहमत से लेकर सालिहा आदिल हुसैन तक के नागरिकों का तफसीली जिक्र किया, और जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो उन्वान है उर्दू नागरों में औरतों के किरदार, इस उन्वान में ही एक तहनशी मानी पोशीदा है कि यकीनन औरतों के साथ उर्दू अदब में कुछ नाइंसाफियाँ हुई हैं जिनकी वजह से उनको अलग से स्टडी करने की जरूरत पेश आई है, ऐसी मैंने कोई किताब नहीं। डॉक्टर नबी अहमद साहब भी हैं जिनका तारीफ मौलाना अल्लाह वाली सर शोभा उर्दू है सर, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।